Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and the CN Making. This is module number 96, and we are going to talk about In Praise of Incomplete Leader Idea in Practice. When we talk about idea in practice, we are looking at a leader who is having his or her action in the organizational facility to meet up the goals, targets, and objectives to give the organization a long term vision.

जिनकी स्ट्रेंथ्स को वो अपनी स्ट्रेंथ बना सके और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सके सो इट इज इस मकसद के लिए उसको सेंस मेकिंग की जरूरत है और उसकी वीक सेंस मेकिंग उस वक्त होगी जब वो ये समझे कि उसने कभी कोई मिस्टेक नहीं की या वो कोई मिस्टेक कर नहीं सकता सेकेंडली जब वो ब्लाइंड स्पॉट्स का शिकार हो जब वो मयोपिक हो जब वो इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो चैलेंजेस वस्ता है उन्हें ना देख सकता हो थर्डली जब वो रिजेंटफुल हो बेस्ड अपॉन द फैक्ट द थिंग्स आर चेंजिंग, तो उसका जो वो रिजेंटफुल होना है वो उसकी सेंस मेकिंग को वीक कर देगा एंड द पर्सन वुड बिकम मोर इनकम्प्लीट सेकेंडली अब उसको चूंकि जरूरत है अपने आप को कंप्लीट करने की सो द पर्सन इज देयर टू फाइंड आउट द पीपल करेज टू रिलेट टू अदर पीपल और अगर वो रिलेटिंग को प्रॉपर तरीके से इनकॉर्परेट ना कर सका तो उसकी जो इंडिकेशन हमारे पास होंगी देर वो दूसरों को हमेशा ब्लेम करेगा किसी प्रोजेक्ट की फेलियर के लिए वो फील करेगा कंसिस्टेंटली के दर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंड एट द सेम टाइम द लीडर वुड बी देर टू फ्रीक्वेंटली है पीपल ये तमाम तर प्रस्पेक्टिव

अपने आप को गलत साबित नहीं होने देना और उसने दूसरों के ऊपर सारा ब्लेम वो डाल देना है सो द लीडर वुड नॉट बी एबल टू रिमेंबर कि उसने लास्ट टाइम वर्क में अपनी एक्साइटमेंट शो वो कब की थी द लीडर वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि वो कहां पर लार्जर परपज को इग्नोर कर रहा है और वो सिर्फ सेल्फ मोटिव के ऊपर फोकस वो किए हुए हैं अगर ये तमाम चीजें हों तो इनके होने से उसका जो विजनरी सेंस मेकिंग प्रस्पेक्टिव है इट वुड बी फर्दर और उसको जरूरत होगी सहारों की उसको जरूरत होगी दूसरे लोगों की सकें, सकें मान पड़ सकती है उस सूरत में उसकी निशानदही कैसे होगी कि वो डिफिकल्ट situations में tackle नहीं कर पा रहा वो ऑप्टिम रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहा नंबर टू वो गैप्स को नोटिस अगर कर भी ले तो ये नहीं जान पाता कि इन गैप्स को फुलफिल वो हमने कैसे करना है टू फाइंड आउट द आउटोमाइड रिजल्ट लाइक वाइज द लीडर इज देयर विद द कि वो बिजनेस को दोबारा से री नहीं कर सकता वो उसके अंदर सेल्फ रिन्यूअल कैपेबिलिटी वो क्रिएट नहीं कर सकता अगर ये तमाम चीजें वहां पर मौजूद हों तो उसकी कैपेबिलिटी ऑफ कमिंग अप विद इन्वेंशन वुड बी माइल्डर वुड बी स्लोअर

डियर स्टूडेंट्स अगर हम सारी बात को कंक्लूड करें तो कोई भी शख्स 100 परसेंट कम्प्लीट हंड्रेड परसेंट परफेक्ट वो नहीं है हर किसी में कोई ना कोई कमी कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा होगा जिसको फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और इस निशानदही को करने की हमें जरूरत है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि लीडर को कब कहाँ क्यों किसके सहारे की किसकी मदद की किसकी सपोर्ट की वो जरूरत है Because without the help of other people, the leader would not be able to create synergy.